Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all fine. Now I am your teacher, Ms. Sumaira, class 1. Now student, this is your maths countdown book. Today I am giving you a open book test paper maths class 1. Okay now student, this is your open book test paper. पेपर में मैंने आपको बहुत सिलेक्टेड सा काम दिया हुआ है और ये तमाम काम आप लोग रिवीजन के तौर पे भी कर चुके हैं, ठीक है ना। ये प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि आपकी एक और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाए, राइट। इससे मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 20। चलिए मैं आपको पहले आपका बता देती हूँ कि इसमें फर्स्ट वर्क हमारा कौन सा है। नाउ डियर स्टूडेंट, आवर फर्स्ट वर्क इज़ राइट काउंटिंग इन वर्ड्स। आपको काउंटिंग लिखनी है, जो टीचर ने नंबर दिए हुए हैं आपको इसको स्पेलिंग में लिखना है, राइट। नंबर 1 4242, उसकी स्पेलिंग आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन 44, 46, 50, 50, ठीक है ना। आपने इन वर्ड्स में मुझे इनकी स्पेलिंग लिख के दिखानी है। नाउ आवर सेकेंड वर्क इज वर्ड प्रॉब्लम्स एडिशन। एडिशन किसे कहते हैं, यानी जमा करने को। इसका साइन क्या है, प्लस। यहाँ पे टीचर ने आपको एक सम्स दिया हुआ है, आप उसको पहले रीड आउट करें मेरे साथ, समझें और फिर उसका आंसर बताइएगा। अनस हैज 15 पॉइंट्स, बिलाल हैज 24 पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑल टुगेदर। यानी अनस के पास 15 पॉइंट्स हैं, आपने यहाँ पर 15 मेंशन करना है। देन बिलाल के पास 24 है, आपने वो मेंशन करके फिर आपने फर्स्ट राइट वाले को काउंट करना है, जो आपका राइट हैंड पे है नंबर। देन आपका जो लेफ्ट हैंड पे नंबर है आपने उसको काउंट करके यहाँ पर मुझे आंसर लिख के दिखाना है। उसके बाद आपको टीचर ने देखिए सम्स जो हैं वो दूसरे मेथड से दिए हुए, ठीक है ना। ये तो एक वर्ड प्रॉब्लम का मैंने आपको सम्स दिया। सम्स नंबर 2, 10+3=2, जो 10 प्लस के साथ आप 3 करेंगे जो आंसर आएगा वो मुझे यहाँ पे आप लिख के दिखाएंगे। इसी तरीके से नंबर 3 वाला सम देखिए, 7+7, दोनों सेम नंबर हैं, आप प्लस करें और आंसर मुझे यहाँ लिख के दिखाइए। नंबर 4, 9+1=2। अब हमारा आता है एक जो नेक्स्ट वर्क है, वो है एक शेप मैंने आपको दिया है सिंपल सा। आपको ड्रॉ अ शेप ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे नाम भी शो हो रहा है रेक्टेंगल एंड कलर है, और उसको कलर भी ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। मैं आपको ये बार बार कह रही हूँ, विदाउट कलरिंग के शेप में जो है मार्क्स आपको फुल नहीं दूंगी। फिर शेप जो है आप यूज़ करेंगे रूलर की मदद से, स्केल की मदद से। मैंने आपको पॉइंट दे दिए हैं डॉट्स लगा के, अब आपने इसको ज्वाइन करना है और शेप बनाना है। और लास्ट वर्क है इसी में देखिए, टेबल डॉजिंग है। आपको टीचर ने अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 1 में 4 और 5 तक के टेबल कंप्लीट करा दिए हैं। अब टेबल डॉजिंग मैंने आपको मिक्स करके टेबल दिए हैं, आपने पूरे पूरे टेबल को पढ़ना है। अगर आपको नहीं आ रहा आप उसको पूरा रिवाइज करें, आपका आंसर आ जाएगा। 4 1s, 5 3s, 5 7s, 4 5s। ओके स्टूडेंट, ये तो आपका पहला पेज, पहला जो है वो मैंने आपको काम जो दिया है वो आपका 10 नंबर पे रहे मुश्तमिल है। अब मैं आपको आपका सेकंड पेपर समझा देती हूँ। नाउ स्टूडेंट, सेकंड आप पेज जब आप एक पेपर में, आपको दो पेपर्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। एक आपने सॉल्व कर लिया, अब आप सेकंड पर आ रहे हैं। सेकंड पे देखें आपको फर्स्ट वर्क जो है यहाँ पे क्लॉक्स आपको शो हो रही है। टीचर ने ये एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह आपको बुक में बहुत अच्छे तरीके से कराई है, कॉपी में भी कराई है। आपको करना क्या है कि जो क्लॉक में टाइम शो हो रहा है वो आपको बॉक्सेस में लिखना है। उसके लिए क्या है, टीचर ने आपको बताया था, देखिए क्लॉक के टू हैंड्स हैं, वन इज़ लॉन्ग अदर इज़ शॉर्ट। लॉन्ग जो है वो हमें मिनट बता रहा है और सेकंड जो है वो हमें क्या बता रहा है, शॉर्ट हैंड जो है वो हमें आवर बता रहा है। अब आपने पहली वाली क्लॉक में देखने कितने बज रहे हैं, आपने वो यहाँ पे टाइम मेंशन करना है। सेकंड में भी इसी तरीके से देखना है, थर्ड में भी इसी तरीके से देखना है, राइट। ओके, अब हम आते हैं अपने सेकंड वर्क की तरफ। और सेकंड वर्क हमारा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम सम्स है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के, पहले आपने एडिशन के किए, अब आप सब्ट्रैक्शन के करेंगे। नाउ फर्स्ट सम्स इज 5 mangoes आर ऑन अ प्लेट, अनम ईट्स 2 mangoes, हाउ मैनी मैंगोज आर लेफ्ट ऑन द प्लेट। एक प्लेट के अंदर जो है वो 5 mangoes थे, अनम ने उसमें से 2 खा लिए, तो अब आप बताएंगे कितने मैंगोज जो थे वो बाकी थे। अब वो आंसर मुझे आप यहाँ पे लिख के दिखाएंगे। नंबर 2, देर आर 17 birds ऑन अ ट्री, 6 ऑफ देम फ्लाई अवे, हाउ मैनी बर्ड्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री। एक दरख्त पर 17 birds बैठी हुई हैं, उसमें से 6 उड़ गई, तो बताइए बाकी कितनी बर्ड्स होंगी ट्री के ऊपर, ठीक है ना। उसका भी आंसर आप मुझे यहाँ पे लिख के दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, आवर थर्ड वर्क इज राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डिनल नंबर्स। आपको नंबर दिए हुए फिगर में, आपको उसको ऑर्डिनल में लिखने हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से रिपोर्ट कार्ड होती है आपके नंबर रैंक लिखे जाते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड, हम उसको किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, हम ये तो बोलते हैं ना 1 2 3, हम कहते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसी तरीके से आपको यहाँ पे टीचर ने 3 नंबर दिए हुए, 5th 7th। साउंड देखें किस तरीके से टीचर का निकल रहा है, 7th 10th। आपको ऑर्डिनल नंबर में यहाँ पे लिखने हैं इन नंबर्स को, ठीक है ना। ये भी बुक में एक्सरसाइज हुई भी है।
ओके स्टूडेंट, द लास्ट वर्क इज हमारा जो है वो क्या है, पुट साइन ऑफ ग्रेटर लेस देन एंड इज इक्वल टू। आपको टीचर ने बहुत अच्छे तरीके से क्लास में पूरी एक्सरसाइज करा दी थी और ये भी बताया था कि नाउ क्रोकोडाइल ईट अ बिगर नंबर। जी क्रोकोडाइल कौन सा नंबर खाना पसंद करता है, बड़े नंबर। अब इन नंबर वन वाले में देखिए 20, 11, इन दोनों के बीच में बिगर नंबर कौन सा है, तो आपने साइन को शो करना है बिगर नंबर की तरफ कि क्रोकोडाइल का मुंह किस तरफ खुलेगा। यस नंबर टू 9, 15, अगेन आपने देखना है बिगर नंबर कौन सा है उसकी तरफ साइन होगा। देन 9 एंड 9 दोनों सेम है, अब आपने मुझे बताना है इसमें क्या होगा, बिगर नंबर का साइन आएगा या इज इक्वल टू का साइन आएगा, ये भी आपको क्लास में टीचर्स एक्सप्लेन कर चुकी हैं। लास्ट है नंबर 4, 18 प्लस 12, ठीक है ना, इसमें आपको साइन देखना है बिगर का। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये सेकंड वाला भी जो है जो पेपर है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा। आपको जो सबमिशन डेट दी जा रही है उस पर कोशिश करें, बिल्कुल आपको करना है सबमिशन, जो सबमिशन डेट है उसी पे आप अपना ये पेपर जो आके है मिस वाइजा को सबमिट कराएंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।